विदेशी बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार दिनभर दबाव में बना रहा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही परिणाम उम्मीद से बेहतर आने से बाजार को सहारा मिला। अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार को संभाल लिया। रिलायंस का शेयर 4.5% चढ़ गया, जिससे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 13 अंक और निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 2 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। रिलायंस की मजबूती के बीच सेंसेक्स 44 अंक की तेजी में 36,418 अंक पर खुला, लेकिन कुछ देर बाद ही लाल निशान में चला गया। लगभग पूरे दिन यह लाल निशान में ही रहा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भी बाजार दबाव में बना रहा। सेंसेक्स का दिन का उच्चतम स्तर 36,470 अंक और निचला स्तर 36,218 अंक रहा। कारोबार की समाप्ति पर यह गुरुवार की तुलना में 13 अंक ऊपर 36,387 अंक पर बंद हुआ। यह पिछले साल 20 दिसंबर के बाद का उच्चतम स्तर है। सेंसेक्स की 30 में से 18 कंपनियों के शेयर गिरावट में और शेष 12 के बढ़त में रहे। निफ्टी 9.65 अंक चढ़कर 10,905 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान इसका दिन का उच्चतम स्तर 10,928 अंक और निचला स्तर 10,852 अंक दर्ज किया गया। अंततः यह कल के मुकाबले 2 अंक की बढ़त में 10,907 अंक पर बंद हुआ, जो इस साल का इसका उच्चतम स्तर है। निफ्टी की 50 में से 34 कंपनियों के शेयर लाल निशान में और शेष 16 के हरे निशान में बंद हुए। वैश्विक स्तर पर चौतरफा तेजी रही। चीन का शंघाई कंपोजिट 1.42%, जापान का निक्की 1.29%, हांगकांग का हैंगशेंग 1.25%, जर्मनी का डैक्स 1.03%, ब्रिटेन का FTSE 1.01% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.82% की बढ़त में रहा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।